राजस्थान भर के कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर मंत्री देवनानी के घर दिया धरना। पुलिस ने खंगाल कर भेजा कलेक्ट्रेट। कहा मंत्री देवनानी ने किया था कर्मचारियों की समस्या को सुलझाने का वादा। आज शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी के निवास स्थान पर राजस्थान भर के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों में मजदूर संघ व सर्व शिक्षा अभियान संघ के लोग शामिल हैं। इनका कहना है कि मंत्री देवनानी ने इनसे इनकी समस्याओं का निस्तारण करने का वादा किया था, जिसमें नियुक्तिकरण, सातवां वेतन जैसी कई मांगे थी। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी को पुलिस ने तो खंगाड़ दिया, जिसके बाद कर्मचारी ने कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना देने का फैसला किया। ये भारतीय मजदूर संघ के सर्व शिक्षा अभियान कर्मचारी संघ की मांगों को लेकर के हम आज धरना भी दिया और प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और अभी हम जिलाधीश के यहाँ पर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन चालू करेंगे। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हैं, एक तो ग्रेचुएटी का भुगतान और ग्रेचुएटी की के आदेश जो कि फाइनेंस से स्वीकृत हो चुके हैं। एक सातवें वेतन आयोग की मांग है, एक नियमितीकरण की मांग है, और एक मांग हमारी जो सुविधाएं 2004 में बिना किसी आदेश के रोक दी गई थी उनको बहाल करवाने की मांग को लेकर के हम इन चार मांगों को लेकर के और बैठे हैं। कई बार मंत्री जी से हमारी बातचीत हुई, लेकिन बातचीत भी करना अब तो बंद कर दिया मंत्री जी ने। पहले आश्वासनों पर जिंदा रखा, अब बातचीत करना बंद कर दिया, तो इसीलिए आज हमने प्रदर्शन किया और अब हम जिलाधीश कार्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। यहाँ देवनानी जी के घर के बाहर यहाँ पर धरना दिया हमने निवास स्थान के पास। इसमें सर्व शिक्षा अभियान के कर्मचारी हैं जो राजस्थान के प्रदेश के कोने कोने से आए हैं। ये 564 कर्मचारी हैं पूरे राजस्थान में, और इनके लिए वर्तमान मुख्यमंत्री जब 2008 में मुख्यमंत्री थी उस समय इनकी मांगों पर सरकार ने निर्णय ले लिया था। उसमें से 300 को तो प्रबंधक बना दिया और 564 लोग इसमें ऐसे रह गए जिनको कि दूसरे विभागों में समायोजित करना था, लेकिन समायोजित नहीं करके और सरकार ने ये कुठाराघात किया इन पर, और इसको लेकर के हम लगातार प्रयास में थे, लेकिन संवादहीनता उसके कारण से आज हमें धरने पर बैठना पड़ा। आपका नाम? मूल सिंह, सह संगठन मंत्री भारतीय मजदूर संघ राजस्थान प्रदेश। क्या कर रहे हैं आप यहां जो अनशन बैठे हैं? मंत्री जी ने मई में हमारे को आश्वासन दिया था कि आप सब लोगों की जो भी मांगे हैं 564 कर्मचारियों उन सब की सारी मांगे पूरी कर दी जाएगी, आपको नियमितीकरण कर दिया जाएगा, आपको सातवें वेतन आयोग का लाभ दे दिया जाएगा और आपकी जो भी समस्या है उनको पूर्ण कर दिया जाएगा। और उस बात को आज 6 महीने होने को आए हैं, अब मंत्री जी ने हमसे बात करने भी बंद कर दी है, और अब सरकार बदल जाएगी कल तो फिर इनके वादों का क्या होगा। और इससे पहले 2004 में जब ये मुख्यमंत्री थी पूर्व में, उससे पहले तो उन्होंने कहा था कि जो लोक जुम्बिस कर्मचारी है और पैरा टीचर शिक्षा कर्मी है उन सारों का नियमितीकरण कर दिया गया है, लेकिन हम आज भी 564 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बैठे हैं। उन्होंने हमारी कोई मांगे पूरी नहीं की है और उन्होंने हमेशा हमारे को दिलासे दिए, भरोसा दिया, लेकिन काम हमारा किया नहीं। काम देखो, हम सब बीकानेर के, राजस्थान के सारे जिलों से। मेरा नाम शशि पारिक है और मैं बीकानेर जिले से कॉलेज ब्लॉक।